गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वंस अगेन अनदर वीडियो अनदर ड्रैग। तो गाइज आप लोग देख रहे हो रहा है काम हो चुकी है एक तरीके से 5:30 बज चुके हैं और हम लोग कर रहे हैं एक ड्रैग रेस, आखिरी ड्रैग रेस हम लोग की बची हुई है हंटर 350 रॉयल इनफील्ड की वर्सेज होंडा CB350 हाईनेस की। पावर की बात करें तो 20 PS पावर, 27 न्यूटन मीटर टॉर्क, 30 न्यूटन मीटर टॉर्क की बात यहाँ पे ये है। और टायर की बात किया जाए तो 140 सेक्शन का टायर है, 130 सेक्शन का टायर है। टायर की बात करी जाए तो चलिए शुरू करते हैं ड्रैग को बिना किसी देरी के। और हसनैन भाई हमारे साथ चलाएंगे हारने वाली गाड़ी हंटर। तो हसनैन भाई चला रहे सीधी हाईनेस और हम चलाने जा रहे हैं हंटर। हसनैन भाई तो हमसे बहुत ही आगे निकल गए और बहुत ज़्यादा गैप मेंटेन हो गया। तो अब देखते हैं CB350 चला के कि हम जीत पाते हैं कि नहीं हसनैन भाई से, क्योंकि हसनैन भाई हैं एक बहुत बड़े प्रो राइडर। चलिए हसनैन भाई चलाइए आप हंटर 350। और अंधेरा बहुत शाम हो चुकी है, ठंड दबा के लग रही है, बस आप लोगों के लिए ड्रैग रेस हम लोग बनाने आ जाते हैं। चले Thank you.
दोनों गाड़ियां इंडिकेटर देने लगी थी इसलिए मैंने रोक दिया, धीरे कर दिया तो तुरंत वहीं पे, और एंड भी हो गया था, काफी ज्यादा ड्रैग हो गई। बट ये है कि हसनैन भाई हंटर चलाए हैं बिल्कुल। तो गाइज अभी आप लोगों ने देखा कि हसनैन भाई जब हंटर चला रहे थे तो बिल्कुल मेरे पीछे थे, बगल में थे, आगे पीछे बगल में ऐसे चल रहे। तो जब मैं हंटर चला रहा था तो काफ़ी ज़्यादा गैप मेंटेन हो गया था, क्योंकि हसनैन भाई एक बहुत बड़े प्रो राइडर हैं, बाकी अच्छी ड्रैग करते हैं, ऊपर से इनका वेट भी बहुत कम है तो बिल्कुल दबा के ड्रैग करते हैं। तो जब मैं हाईनेस चला रहा था तब देखा हंटर बिल्कुल हसनैन भाई का वेट भी 60 है, मेरे से सिर्फ 2 किलो का फ़र्क है, तो कोई मतलब नहीं बनता उस फ़र्क का। बाकी अगर विनर की बात करी जाए तो होंडा CB350 हाईनेस है और सेकंड नंबर पे हंटर। तो गाइज अगर आप लोगों को ड्रैग अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देते हैं, आप लोगों को ड्रैग अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो गाइज बाय बाय।